नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से अपने चैनल पर स्वागत है भारत किशोर। देखिए दोस्तों, अगर इंजन लोड नहीं ले रहा तो उसमें क्या होता है? सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है उसकी आज हम आपको बात बताएंगे, उस पर बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका लैडर और पिस्टन रिंग पंप हर चीज़ आपने बदल दिया है और आपका इंजन जो है वो लोड नहीं दे रहा है और धुआं दे रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मेन चीज़ में आपने हर चीज़ को तो चेंज कर दिया है, लेकिन अगर इंजन ना लोड लेने का कारण क्या होता है कि अगर जो कनेक्टर राड होता है उसमें अगर कोई भी प्रकार की कोई चाल होगी तो आपका इंजन लोड नहीं लेगा और वो जो है आपका लैडर काटेगा। और सबसे जो इसमें मेन चीज़ होती है, अगर आपकी बायरिंग जो लगी होती है, अगर बायरिंग आपकी जो डैमेज हो गई तो क्या होता है, बायरिंग ज़्यादा मतलब खोलने का काम नहीं होता है, वो जब फुल इंजन की सर्विस होती है बायरिंग पर तब जाया जाता है। तो क्या होता है कि अगर आपकी बायरिंग डैमेज हो गई तो भी आपका इंजन लोड नहीं लेगा। और फिर देखिए हम आते हैं, जो इसमें मेन अहम बात होती है दोस्तों, आयल पंप। अगर आपका आयल पंप किसी वजह से काम नहीं कर रहा है या जो है उसका जो फिल्टर लगा होता है वो स्विच हो गया है, अगर वो मोबिल नहीं उठा रहा है, यानी कि अगर वो मोबिल उठाएगा नहीं तो वो आपके ब्रास तक मोबिल नहीं पहुँचा पाएगा। और जब मोबिल ब्रास तक नहीं पहुँचेगा तो ब्रास कुछ ही मान लीजिए मिनटों में आपके जो है डैमेज हो जाएंगे और वो करंट से चिपक जाएंगे, हीट हो जाएंगे। तो जब ये ब्रास आपके चिपक जाएंगे तो अगर आप घुमाएंगे तो इंजन आपका टाइट घूमेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ही टाइट घूमेगा, जैसे कि कोई लोड पर इंजन घुमाया जा रहा है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि जब ज़्यादा हीट हो जाते हैं तो वो क्रैंक से जो है चिपक जाते हैं, और जब क्रैंक से चिपक जाते हैं तो फिर भाई आपका क्रैंक भी वो ले लेता है, फिर आपको क्रैंक को टर्न कराना पड़ता है, यानी कि उसकी जो है पॉलिश करवानी पड़ती है। और अगर आपको पहले ही पता चल गया, आप उसका चैम्बर खोल लिए, यानी कि जो ब्रास का पल्ला होता है शुरुआत में ही आपको पता चल गया, आपने खोल लिया, तो शायद आपका जो क्रैंक है वो बचने की उम्मीद रहती है। तो इसमें दोस्तों हम आपको यही राय देंगे और बताएंगे कि जब भी आपका इंजन लोड न ले तो हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले तो आप देखिए कि उसकी ठोकर क्या है। अगर ठोकर बैठ गई है तो हम ऊपर से बताना आपको चालू करेंगे कि क्या क्या आप चेक कर सकते हैं। आप उसकी ठोकर जो है उसको देखें कि ठोकर अगर डाउन हो गई, ये दिक्कत तब भी आती है। और आपकी बैरिंग, उसको हमने पहले बताया है, रिंग, और लास्ट में आप जब नीचे चले जाएंगे तो जो मैंने ये दिक्कत बताई है इसमें क्या होता है, आपका इंजन फ्री नहीं रहेगा, इंजन बहुत ही टाइट चलेगा, मतलब आप घुमाएंगे तो ऐसा चलेगा जैसे कि वो पहले से ही रोड पर है स्टार्ट करने के पहले ही। तो दोस्तों हमने ये आपको बताया है कि अगर इंजन आपका लोड नहीं ले रहा है तो उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपको मिलते हैं, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमें उम्मीद ये रहती है कि जो हमने जानकारी दी है तो जो भाई हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको समझ में आया होगा। और उम्मीद ये हम करते हैं कि वो अपना इंजन खुद अपने ही हाथ से सही कर ले, हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।